हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंदिर। आज की वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपनी आत्मकथा में बाबर ने निम्नलिखित में से किसका विवरण बहुत कम दिया है? ऑप्शन ए प्राकृतिक विवरण, सामाजिक जीवन और लोगों का रहन सहन, युद्ध, भारत की राजनीतिक स्थिति। तो युद्ध का विवरण जो है वो बाबर ने बहुत कम दिया है। बाबर की आत्मकथा को तीन भागों में बांटा जाता है। इसके तीसरे भाग में हिंदुस्तान के हालात से संबंधित विवरण दिया गया है। इसमें बाबर ने यहाँ की राजनीतिक दशा, प्राकृतिक दृश्य, आबोहवा, फसलें, फल फूल और उत्पादन वगैरह का विस्तार से वर्णन किया है। बाबर जो है वो हिंदुस्तान के लोगों के बारे में लिखता है कि वे खूबसूरत नहीं है और वे सामाजिक व्यवहार से अपरिचित हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगलों को शेरशाह की बहुमूल्य देन क्या थी? सैनिक व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, प्रांतीय शासन प्रणाली व्यवस्था। तो भू राजस्व व्यवस्था जो है वो शेरशाह की बहुमूल्य देन है। शेरशाह ने अपने शासनकाल में एक योग्य और कार्यकुशल राजस्व प्रणाली का विकास किया था जो कि जब प्रथा पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त शेरशाह ने किसान को पट्टा देने, उनसे कबूलियत लेने को भी लोकप्रिय बनाया था और अकबर ने इन सभी विशेषताओं को मुगल राजस्व प्रणाली में ग्रहण किया और इसमें सुधार और संशोधन किए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और इब्राहिम लोदी, ये सही सुमेलित नहीं है। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। खानवा का युद्ध अकबर और राणापुर सांगा, ये भी सही नहीं है। खानवा का युद्ध जो है वो बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। प्रथम तराइन युद्ध महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, ये भी सुमेलित नहीं है। प्रथम तराइन युद्ध जो है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर द्वारा आरम्भ किए गए दीन ए इलाही को स्वीकार किया? टोडरमल, बीरबल, मान सिंह, भगवान दास। तो बीरबल ने जो है वो दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। अकबर का दीन ए इलाही जो कि ऐसी आचार संहिता थी जिसमें विभिन्न धर्मों के आदेशों और उपदेशों का संकलन था। अकबर द्वारा इसे प्रचारित करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में एकता और सामंजस्य स्थापित किया जा सके और बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा, असीरगढ़, दौलताबाद, अहमदनगर। तो अहमदनगर के नज़दीक जो है वो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की सैन्य शक्ति के मुख्य स्तंभ थे घुड़सवार सैनिक, किले, योग्य सैन्य अधिकारी, पैदल सैनिक। तो घुड़सवार सैनिक जो है वो मुगलों की सैन्य शक्ति के मुख्य स्तंभ थे। मुगल साम्राज्य की शक्ति का मुख्य स्रोत उसकी सेना थी, इसीलिए सेना के संगठन को सुसंगठित और कार्यकुशल बनाए रखने में सभी शासकों ने जो है वो ध्यान दिया था। मुगल सेना का जो मुख्य अंग था वो अश्वारोही और घुड़सवार सेना थी और इसे रखने का दायित्व मनसबदारों का था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की समाप्ति तक साम्राज्य में कितने सूबे थे? 12, 15, 18, 20। तो 15 सूबे थे अकबर के साम्राज्य में। अकबर ने 1580 ईस्वी में अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया, परंतु शासनकाल के अंतिम समय में दक्षिण भारत के बरार, खानदेश और अहमदनगर की विजय के पश्चात जो है वो सूबों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। अगला क्वेश्चन है, अकबर के काल में भूमि कर की वसूली कौन करता था? राजकीय कर्मचारी, जमींदार, जागीरदार, ग्रामीण पंचायत। तो जमींदार जो है वो भूमि कर की वसूली करते थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो शाहजहां के काल में जो है वो दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई गई थी। शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहांबाद का निर्माण प्रारंभ किया। दिल्ली में उसने लाल किले का निर्माण करवाया और साथ ही लाल किले के पास जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया। जामा मस्जिद की जो प्रमुख विशेषता है वो है इसका विशाल द्वार और इसकी ऊंची मीनारें और गुंबद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? मुगल बादशाह और विदेशी यात्री, अकबर, विलियम हॉकिंस, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में आया था। जहांगीर, राफ फिच, ये भी सही सुमेलित नहीं है। शाहजहां, टॉमस रो, ये भी सुमेलित नहीं है। औरंगजेब, मनुची, ये जो है वो बिल्कुल सही सुमेलित है। मनुची जो कि इटालवी
यात्री था। वह 14 वर्ष की आयु में ही अपने गृहनगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की लंबी यात्रा करता हुआ भारत पहुंचा। इसने भारत आकर शहजादा दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की थी। दारा शिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। अगला क्वेश्चन है, किसके आदेश पर तेग बहादुर को मारा गया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर द्वितीय। तो औरंगजेब के आदेश पर जो है वो तेग बहादुर को मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, मंसूर और मनोहर किसके दरबार में मुख्य चित्रकार थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये दोनों जो है वो जहांगीर के समय में मुख्य चित्रकार थे। इनमें से जो उस्ताद मंसूर है वो पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था और उसके महत्वपूर्ण कृतियों में साइबेरिया का एक बिरला सारस और बंगाल का एक अनोखा पुष्प उल्लेखनीय है। जबकि मनोहर ने अनेक प्रसिद्ध छवि चित्रों का निर्माण किया था और मनोहर का नाम जो है वो तुजुकी के जहांगीरी में नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा किसके लिए कहा गया है? जहांगीर के लिए, शेरशाह के लिए, हुमायूं के लिए, बाबर के लिए। तो ये कथन जो है वो हुमायूं के लिए कहा गया है, ऑप्शन सी। हुमायूं की असफलताओं के बाद जो है वो इतिहासकार लेनपुल जो है वो लिखता है कि हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है, सुलह ए कुल की नीति थी औरंगजेब की, अकबर की, शाहजहां की, हुमायूं की। तो सुलह ए कुल की नीति जो है वो अकबर की थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अकबर दामाद था भारमल का, उसना कमल का, धीरमल का, विजयमल का। तो अकबर जो है वो भारमल का दामाद था। 1562 ईस्वी में अकबर जब अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने जा रहा था तो मार्ग में राजा भारमल ने उसकी स्वाधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह का प्रस्ताव रखा था। अकबर का पुत्र जहांगीर जो है वो इसी हरखाबाई से उत्पन्न संतान था।